जिन्ना जी, सबसे पहले ये जो महीने बीते हैं आपके लिए, सबसे पहले स्कूप आई जब लोगों ने आपको पहचाना एंड उसके बाद जब बिग बॉस में आपकी एंट्री हुई, मैंने तुरंत स्कूप के बाद बिग बॉस शुरू हुआ तो मुझे याद है तब आपकी एंट्री हुई और बिग बॉस के इतिहास में आपका नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि पहले ही दूसरे पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फर्स्ट वीक जहाँ आप काफी इमोशनल हुई, थोड़ा बताइए आपकी जर्नी के बारे में, ये किस तरह से आपकी जर्नी बीती है। सो लास्ट 12 साल बहुत इंटरेस्टिंग रहे, जैसे आप लोगों ने बिग बॉस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी लिया होगा तो वो सब चीज़ दोहराने का कुछ मतलब नहीं है। बट हाँ, फ्रॉम इट्स मैंने जो बुक किताब लिखी है बिहाइंड बार्स इन भाईखला, दैट्स अबाउट अ जेल, माय एक्सपीरियंस इन जेल, तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है और बिग बॉस तक की जर्नी। बिग बॉस भी एक जेल के जैसा है, सोफिस्टिकेटेड, तो वो पूरी 12 साल की जर्नी बहुत ही बहुत सारे शेड्स आए उसमें, चाहे आप स्ट्रगल बोलो या फिर बहुत कुछ सीखा मैंने, लोगों को पहचाना मैंने, अपना अस्तित्व कहीं पे मैं छोड़ आई थी। तो शायद नहीं, बिग बॉस के ज़रिए वो सब जो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन वो टाइम पे हुआ, जो मेरे फैमिली को फेस करना पड़ा, मेरे लड़के ने फेस किया, वो बिग बॉस के आने से, बिग बॉस में जाने से कहीं ना कहीं वो सब पीछे निकल गया, ऐसा लग रहा है मुझे। यस, इसका पूरा क्रेडिट बिग बॉस को जाता है, नो डाउट अबाउट इट। इसी दौरान बिग बॉस में मुझे अभी भी याद है आपकी नावेद से अच्छी दोस्ती थी, जी से अच्छी दोस्ती, मुनावर को एज अ स्मॉल ब्रदर आप देखते हो, हमने देखा है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, ही वाज दैट पर्सन हु वाज क्राइंग अ लॉट जब वो पीछे बैठे थे, मुझे अभी भी याद है मैंने देखा। आप अगर बताना चाहोगे तुरंत मैं जंप करूंगा कि ये जो दो हफ्ते है मुनावर के लिए पर्सनली, आई नो दैट पर्सन बिग बॉस से नहीं, मैं लॉकअप से उससे जानता हूँ, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, क्योंकि उन्होंने जो अपने करियर में देखा है ना, अब दे पीपल आर जजिंग हिम, यस आई नो यू हैव बीन टू दैट सिनेरियो आल्सो दैट पीपल जज यू, यस, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, डोंट जज जो बड़ी बातें होती है, देयर आर ऑलवेज अ स्टोरी इनसाइड इट। ऑब्वियसली हम एज अ ऑडियंस देखो या एज अ सोसाइटी समाज, हमको जो दिखाया जाता है, हमको जो प्रेजेंट किया जाता है, हम उसी को देख के बहुत जज करते हैं लोगों को। जैसे आपने बोला, हाँ मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था वो टाइम पे, बहुत कुछ लोगों ने बोला मर्डरर है, क्योंकि वो ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था। तो वो टाइम पे मैं लोगों को, मैं तो थी नहीं बाहर, कौन जस्टिफाई करता कि ये गलत है जो आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। लोगों ने बोला अरे मैंने कितना 33 बार गैंगस्टर से फ़ोन पे बात की, अरे मुझे पता है ना कितना किया है, क्या है, एक ही बार था, बट कौन बोलेगा, घर वाले लोग को तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। लोगों ने बोला अरे इसकी इसके साथ पर्सनल दुश्मनी थी, तो वन साइडेड सब कुछ चलता है। वेट, रुको, वो बंदे को बाहर आने दो। आज वो मुझे बड़ी बहन मानता हो, माँ मानता हो, मुझे कुछ नहीं पता है क्या कुछ, हर रिश्ते के नाम होने ज़रूरी नहीं है, बट इतना पता है मुझे कि मुन्ना ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया है, चाहे वो मुन्ना हो, नील हो या अभिषेक हो, ये तीनों बंदों ने अपने अपने हिसाब से या अपने अपने तरीके से बहुत, मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लड़का ने भी खुद ने मुझे बोला कि मम्मा इन लोगों ने तुझे मेरी कमी नहीं महसूस होने दी, ये बात सच है। तो आज मेरा लड़के के साथ अगर ये सब हो रहा होता जो मुन्ना के साथ होता, तो क्या मैं उसको छोड़ देती? नहीं छोड़ती ना, मैं जाके पूछती मुन्ना ये क्या हो रहा है। बड़ी पैटर्न सेट करके आई है मुझे ऐसा लगता है आयशा, क्योंकि ये जो नॉमिनेशन टास्क था उन्होंने मनारा को नहीं किया और उसके बाद एक पैटर्न सेट हुआ, उसके बाद कई बातें उन्होंने की, कई बातें छपी है अभी। हम देखते हैं कि ये जो शो, हम मैं मेरी मॉम के साथ देखता हूँ ये शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इस तरह की बातें होती है तो वो भी नोटिस करते हैं, वो भी बोलते हैं कि इस तरह का शो नहीं देखना चाहिए आपको, ये नोटिसेबल होता है क्या? सही बात, आई अग्री। अभी मैं कहीं पे जाती हूँ, यंगस्टर्स पहचान लेते हैं, फोटोज लेते हैं, तो कहीं गई थी ग्रोसरी शॉप में, तो कोई बच्ची थी 16 साल की, स्कूल से आई थी, बोला अरे जिग्ना आंटी हो ना, मैं बोला हाँ,
कहते नहीं मैं बिग बॉस देखती हूँ. बोला तो फिर पढ़ाई कब करती हो? तो यस आई ऑल्सो अग्री कि नहीं देखना चाहिए. और पता नहीं इसमें एक चीज़ है आयशा का जो आप पूछने बोले आप बोल रहे थे नॉमिनेशन, इसमें हर कोई चीज़ एक दूसरे को नॉमिनेट करने के बाद फटते हैं. कोई भी हो, मनारा ने, मैंने मनारा को नॉमिनेट किया था, मैंने और रिंकू जी ने, उसने बहुत हमारी बुरी हाल किया था, बहुत बुरा हाल किया था. पता नहीं कितना बताया, हाँ मुझे नहीं पता कितना बताया है, मैंने देखे भी नहीं है एपिसोड्स, अभी भी नहीं देखती हूँ मैं. फिर सना को किया, जब भी सना नॉमिनेट होती थी आप लोग ने सपने देखा, अरे आप गेम में आए हो. मैं खुद जब नॉमिनेट हुई मुझे नॉमिनेशन का बुरा नहीं लगा था, बट अरुण ने जो रीज़न दिया वो बुरा लगा था. तो हर एक को अपनी लिमिट सेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पे उंगली उठाते हो ना तो खुद के भी तीन उंगलियां होती है. ये आयशा को समझना चाहिए. मैंने आयशा का एक थोड़ा एक वीडियो देखा था पॉडकास्ट, वहाँ वो बोलती है कि मैं शाहरुख खान से शादी करना चाहूँ. तो जो इंटरव्यूअर थी उसने बोला वो तो शादीशुदा है, तो कोई बात नहीं हमारे में चार अलाउड है. तो ये क्या मेंटालिटी है? ये गलत है. जो थप्पड़ कांड है, हाँ. लोगों ने देखा है, आपका क्या रिएक्शन है उस थप्पड़ को लेके? वाज इट लाइक ठीक था क्योंकि वो घर के बाहर गए फिर से घर के अंदर आए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कोई पहले से ही अभिषेक को बहुत पोक किया जा रहा है पहले से ही. ईशा समर्थ हर एक इंसान की एक लिमिट आ जाती है. आप किसी के पेशेंस को इतना टेस्ट मत करो कि वो अपना आपा खो बैठे. हर एक का एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है. मैंने कहा किसी ईशा या समर्थ के दोनों में से एक पेरेंट्स ने बोला कि इतना मेंटली वीक था तो क्यों गया शो में? तो फिर ये बात तो ईशा और उसको भी पता लागू पड़ती है ना, कि अगर उनको पता था कि अभिषेक शो में है तो आप लोग ईशा हो या समर तो क्यों गए शो में? नहीं जाना चाहिए था. हर एक की मेंटल स्टेबिलिटी अलग अलग होती है. मैं स्ट्रांग हो सकती हूँ, दैट डजंट मीन कि यू विल बी इक्वली स्ट्रांग. सो जैसे सलमान ने बोला बार सीटियाँ बजी, तो सच में बजी सीटियाँ. और अभिषेक शुड बी थैंकफुल कि समर्थ ने उसको चांस दिया चाटा मारने का, ताकि पूरी उसकी गेम निखर के बाहर. बट उनकी कोई गेम ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. नहीं अभिषेक किया स्ट्रॉन्ग, अभिषेक की गेम बाहर आई. समर्थ की एक फनी कैरेक्टर था, उसको उसमें ही रहना चाहिए था. वो कहीं पे डेस्परेशन में शायद उस गेम है भाई, सबको कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो शायद उसने भी डेस्परेशन में कदम उठा लिया पोक करने वाला. अंकिता की मॉम का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ जिसमें कई बातें आई. सबसे एक बड़ी टॉपिक थी कि उन्होंने कहा कि वो सुशांत का नाम एज अ टीआरपी या फिर कुछ और है. नहीं अंकिता की नहीं, विक्की की मम्मी. विक्की की मम्मी, विक्की की मम्मी. आप अगर कुछ बताना, कई बार सुशांत का नाम लिया गया घर पे. हाँ एक्चुअली पास्ट का नाम नहीं लेना चाहिए. और जैसे 17 लोग थे, आपका हर एक के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होने वाला है शो में. तो मेरा रिश्ता अंकिता और विक्की के साथ बुरा भी नहीं था, बट एक इतना क्लोज मैं नहीं हो पाई जितना मैं नील, ऐश्वर्या, रिंकू जी या मुन्ना के साथ थी या अभिषेक के साथ थी. इतनी मैं क्लोज़ नहीं हो पाई. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अभी ये दुनिया में नहीं है, आपको उसको नहीं याद करना चाहिए. याद आता है बट उसका नाम नहीं लेना चाहिए. ये गलत बात है, मैसेज गलत जाता है. लोग को लगता है कि सिंपथी ले रही है. हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है सिंपथी ले रही है. और शायद विक्की की जगह विक्की को भी बुरा लगता होगा कि पास्ट है. विक्की तो अपनी पास्ट गर्लफ्रेंड्स के नाम नहीं लेता है ना. तो हर एक को अपने दायरे में रहना चाहिए. जिन्ना जी क्या लगता है अरुण, मैं क्विकली पूछूंगा आपसे, अरुण जिस लेवल पे है क्या लगता है आपको वो कभी बहुत पहले ही नॉमिनेट हो जाने चाहिए थे? क्योंकि मैंने आपकी गेम देखी थी, मुझे ऐसा लगा कि टॉप 8 में आप तो डिजर्व करते थे मेरे हिसाब से. टॉप 8 बहुत लंबा, टॉप 5 बोल सकता हूँ मैं. एंड आपके टॉप 3 और विनर कौन है? अरुण
उन लोग का फैन बेस अच्छा है, पीआर बहुत अच्छा है उसमें, वोटिंग वोटिंग में फ़र्क पड़ता है। जब मैं अंदर गई तब कोई पीआर नहीं था, सच में नहीं था मेरे पास पीआर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा लड़का संभाल रहा था तो हमको ये सब नॉलेज नहीं थी कि ज़्यादातर पीआर का रोल बहुत बड़ा होता है। बट मैं जो भी खेली मैं दिल से खेली, हालांकि मैं खेली ही नहीं, मैं जो थी मैं वैसी ही रही और मैं खुश हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मैंने इतने अच्छे रिश्ते बनाए, आप बिलीव नहीं करोगे। जो भी बाहर निकलता है ना, तहलका भाई आए, तहलका भाई आके मेरे घर पे मिल के गए, मनस्वी आके घर पे मिल के गई, मैं, नील, ऐश्वर्या, रिंकू, हम लोग ऐसे मस्ती में मिलते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ट्रॉफी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट मेरे को, मेरे एज और मेरे लेवल पे आके बहुत कुछ देख लिया लाइफ में। शायद मैं इतना अंदर रहती ना अभी भी तो भी इतना नहीं गिर सकती थी जितना लोग एक दूसरे के साथ कर रहे, मैं नहीं कर सकती थी। बिग बॉस में फ्लड आ जाता था, मेरा रोना धोना ही इतना रहता तो अच्छा है मैं बाहर हूँ, डिग्निटी से खेली। आज बाहर भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और टॉप थ्री में तो क्या ही बोलूँ भाई, बिग बॉस को जाके पूछो आप लोग। बट हाँ, अभिषेक है टॉप थ्री में, मुन्ना है, अंकिता है, मनारा भी हो सकती है। विनर किसको दिखते हो और क्यों? विनर मुन्नावर और अभिषेक में से एक को दिखती हूँ। शायद मैं भी बिग बॉस के जैसे इसमें बायस्ड हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों पसंद है, तो इन दोनों में से एक चाहूँगी। अभिषेक ने बहुत शेड्स दिखाए हैं, एग्रेशन, यस आई अग्री, बहुत एग्रेशन दिखाया है। बट जब एक वक्त था, समर्थ आया, तो वो बंदे ने 15 दिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करके उसने पूरा टर्न अराउंड किया। मुझे मालूम है, मैं रोज़ उसके साथ बैठ के रात रात भर हम लोग बात करते थे, तो अगर वो एग्रेसिव होता तो मेरे पे भी गुस्सा निकाल सकता था, रिंकू जी से भी निकाल सकता था। हम दोनों से तो कभी उसने बदतमीजी नहीं की, उल्टा मैं उसको रोकने जाती थी तो मुझे बुलाता, जिग्ना जी आप बीच में मत आओ, आपको लग जाएगी, मेरे बीच में मत आओ, आपको लग जाएगी, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो मतलब वो, या फिर अभिषेक में से एक विनर आप देखते हो? यस, थैंक यू सो मच जिग्ना जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, राइटिंग अ सेकंड बुक आल्सो, यस, देखते हैं कभी खत्म होती है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, इसी कर मार।